हेलो बच्चों, तो आज हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का एक नया मेथड। आज हम एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। अभी तक हमने एल्केन की प्रिपरेशन कर ली एल्काइल हैलाइड से, एल्कीन से, एल्काइन से। आज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से और बड़ा ही खूबसूरत सा मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब डी कार्बोक्सिलेशन करने के दो तरीके होंगे। एक होगा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा होगा सोडा लाइम प्रोसेस। मतलब आज के लेक्चर में हम दो अलग अलग मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे। आई रिपीट, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे और इसके अंदर के सारे मैकेनिज्म, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व करेंगे। सो माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाने को तैयार हो जाएं, मजा आएगा। ऑर्गेनिक में मजा आ ही रहा होगा, सारे मजे में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिले ऑर्गेनिक के, आप भी कोशिश करें। ठीक है, दोनों साइड से कोशिश होगी तभी मजे आएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आज डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब हुआ रिमूवल, केमिस्ट्री में डी का मतलब होता है रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन किसका रिमूवल? कार्बोक्सिल ग्रुप यानी CO2 का रिमूवल होगा। किसका रिमूवल होगा? CO2 का रिमूवल होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें CO2 का रिमूवल हो उसको हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा आप डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ होगा और वहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना चाहेंगे। यह कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड हटाना चाहेंगे और हमको मिलेगा RH। कुछ ऐसी कहानियां होंगी आज के लेक्चर में। RCOOH को हम कुछ करेंगे ऐसा कि जिससे CO2 निकल जाए। और आप देख रहे हो कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाए, तो बची हुई कहानी एल्केन की ही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन करने के दो मेथड हैं मेरे पास। पहला मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। शायद इसी को पढ़ने आप आए हो, डिटेल में समझाएंगे, टेंशन नहीं है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरा मेथड है मेरे पास केमिकल मेथड। ठीक है, पहले वाले में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, दूसरे में हम केमिकल का यूज करेंगे। ये है मेरा सोडा लाइम मेथड। ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी खास बात है, दोनों की अपनी अपनी पॉइंट्स होंगे, दोनों के अपने अपने अलग अलग मैकेनिज्म होंगे, दोनों के अपने अपने इंटरमीडिएट होंगे जो कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। हम पहले कौन सा मेथड पढ़ा जाए? पहले ये पढ़ा जाए कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। करेंगे क्या आज के लेक्चर में? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके। चलिए नोट कर लें इतना, पहली हेडिंग लगाएं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कैसा कैसा तो नाम रखा है इन्होंने, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ये मेरा वायर गोल गोल घूम जाता है कई बार माइक का। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड मिटा दें। ओके, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, अब जो तुम बोलना चाहो। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, किसका होगा जरा लिखना, एक लाइन लिखना। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस मीडियम, इनका हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका करेंगे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन
एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम का मतलब पानी भी होगा। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट क्यों लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, CH3COOH मान लो ये है, या RCOH जैसा लिखना चाहो, ये बच्चों एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, तो बहुत ज्यादा ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो अगर ये बढ़िया आयंस में ब्रेक करना चाहते हो तो इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लो भाई। मान लो आपने एक बेस ले लिया NaOH और इसका इससे रिएक्शन करा दिया, ठीक है, यहां से OH निकला, यहां से H निकला, बना RCOONa। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नहीं कि दो में से एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रांग हो जाए, दो में से एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो जाता है। यहां ये तो वीक एसिड से आया है पर ये कैसा बेस है, स्ट्रांग बेस। तो एक बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज करना है भाई, इलेक्ट्रोलाइट जो बढ़िया से आयंस में ब्रेक हो, इसलिए हमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किया। सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते हम, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का करते हैं। क्यों करते हैं समझाया, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई, वीक एसिड है तो हमने पहले इसका सॉल्ट बना लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यहां से OH H निकल गया, ये सॉल्ट बना। सॉल्ट का अगर एक भी कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहां देखो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है सॉल्ट तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसी केस भी बना सकते हो, तो पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, तो RCOONa हो या RCOOK हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस मीडियम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। देखो होगा क्या, देख लो पहले जरा, देख लो होगा क्या, RCOONa प्लस H2O, एरो के ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसके ले लो दो मॉलिक्यूल्स, इसके ले लो दो मॉलिक्यूल्स, अभी सब मैकेनिज्म में समझाएंगे ऐसा ऐसा क्यों हुआ। यहां निकलेगा CO2 और दो मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 moles ऑफ CO2, बोलो सही है, डीकार्बोक्सिलेशन नाम है, CO2 और 2 है तो 2 moles ऑफ CO2, ठीक है। एक R एक R मिलके बन जाएगा RR, ये बन गया एल्केन, R समझते हैं ना, एल्काइल ग्रुप, एक R मिलके बन गया RR एल्केन। अभी एग्जांपल्स देंगे तो और समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां से 2 Na, यहां से 2 OH, 2 moles ऑफ NaOH। अब देखो ये H2O था, इसको HOH HOH करके लिख सकते थे, OH OH दो निकल गए 2 Na के साथ, बचा HH HH मिलकर H2। समझाने का तरीका है, अंदर तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, कैथोड एनोड का रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। अभी बैलेंस कर दिया, 2 moles ऑफ RCO ने 2 moles ऑफ H2 इलेक्ट्रोलाइसिस किया, मैंने कहा एक CO2 दो CO2, 2 moles ऑफ CO2, R और एक और R मिलके RR एल्केन, 2 Na और यहां से 2 OH, 2 moles ऑफ NaOH और H और H मिलके H2। नोट कर लें, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड की। लिख लिया, नोट कर लिया। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट, अरे कुछ नहीं यार, एसिटिक एसिड ले लो, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है अपना, एसिटिक एसिड, इसका सोडियम सॉल्ट, तो H हटा के Na लगा दो, सोडियम सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, अच्छा प्लस H2O, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत बढ़िया। इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स, पहले तो सिखा दूं, CO2 CO2, 2 moles ऑफ CO2 प्लस CH3 CH3 मिलकर बन गया CH3 CH3, यानी इथेन बन गया, प्लस OH OH, NaNa, 2 moles ऑफ NaOH, देखो HOH HOH, H और H मिलके बन गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, यहां तक समझ में आया, बैलेंस रिएक्शन एकदम बढ़िया से। अच्छा अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए, मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म इसके मचाया जाए,
आइए इसका मैकेनिज्म बचाते हैं, इसको मैं उठा के ऊपर लिखता हूं और आप इसका मैकेनिज्म देखिए अब, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है, 2CH3COONA, शायद पढ़ रखा हो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने, 2 moles of H2O इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने बोला CO2 2 moles of CO2 निकला, OH दो Na के साथ 2 moles of NaOH निकला, यहाँ पे CH3 एल्केन बन गया तो CH3-CH3 और HH बचा जिससे H2 बना, ये कहानी है। आइए अब हम देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो बच्चों पूरे प्रोसेस में हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, ये और ये, तो पहले दोनों इलेक्ट्रोलाइट से आयन बना लो। चलो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म मचाते हैं, आइए लेट्स मचाओ द मैकेनिज्म। तो भाई साहब CH3COONA CH3COONA डिसोसिएट हुआ टू गिव CH3, इट्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी सॉरी, डिसोसिएट हुआ टू गिव CH3COO- प्लस Na प्लस, इसमें डिसोसिएट हुआ दो आयंस में, हाँ CH3COO- और Na प्लस में, और वाटर उठा लो H2O डिसोसिएट हुआ इन H प्लस एंड OH माइनस, तो ये मेरे पास आयंस हो गए। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में दो खंबे होते हैं, है ना, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड। तो पहले हम चल रहे हैं एनोड के ऊपर। बच्चों एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज पे कौन भाग के आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये भी आए ये भी आए, किस लिए आते हैं ये आयंस, आते हैं अपना पाप मिटाने, आयंस आते हैं इलेक्ट्रोड पे अपना पाप मिटाने, जो चार्ज वो लेकर आए हैं उस चार्ज को खत्म करने, आयंस मूव टू इलेक्ट्रोड टू गेट डिस्चार्ज्ड, जो पाप अपने सर पे लिया उस चार्ज को, उस पाप को मिटाने के लिए। तो यहां ये भी आए, बोले हम पाप मिटाएंगे, वो बोले हम पाप मिटाएंगे, दोनों लड़ने लगे। तो इन दोनों में से इसका पाप मिटाने का इच्छा इससे ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी एप्टीट्यूड टू गेट डिस्चार्ज एट एनोड इज मोर देन OH माइनस। तो CH3CO- को पहले मौका मिला क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये एनोड पे आ गए, एनोड पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या कि अपना पाप मिटाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा लेके आए, एक तो इन्हीं का है, एक ये सोडियम को उठा के लेके आए ना तोड़ते वक्त, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इनसे ज्यादा देर डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बाहर कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर गया, अब क्या बचा CH3COO डॉट। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इनका खुद का था, एक ये बाहर से उठा के लेके आए थे, तो वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये CH3COO डॉट एक फ्री रेडिकल बन गया। हाँ, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। यस 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 यस, अच्छा यहां तक हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना, जो भी चार्ज एक्स्ट्रा था चला गया। अब CH3COO डॉट, ध्यान से CH3COO डॉट ऐसे बना सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड हो कार्बोक्सिलेज ओ डॉट। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए बॉन्ड के लिए, तो यहां से ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक फिजन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर से टूटकर ऐसे, यानी यहां से बना CH3 डॉट, और जैसे ही ये डॉट इसके ऊपर आया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो भैया निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2, समझ में आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन स्पेस पे CH3 डॉट 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 मिल गई, तो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो मेन प्रोसेस था। अब सुनो, आपको पता है फ्री रेडिकल ढूंढता है अपने जैसा एक और फ्री रेडिकल, तो CH3 ने कहा हाँ मेरे को तो एक और CH3, हाँ दोनों हम CH3 मिलके बनाएंगे CH3CH3। तो देखो CH3CH3 बन गया, चेक, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, चेक। अच्छा अब ये बात आई कि एक CH3 तो ठीक है साहब, दूसरा CH3 कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे रिएक्शन में यहाँ 2 लिख दें, तो यहाँ टू, अब 2 CH3 हो गए, ये 2 है मतलब ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 मिलेगा, तो ये 2 से ये 2, तो टुंग 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 टुंग, और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा,
बोला समझ में आया? मैंने बोला CH3 के साथ एक और CH3 चाहिए था, तो मैंने कहा CH3 तो यहाँ पे मेरे पास एक ही है, अब CH3 एक ही है भैया तो क्या किया जाए, हमने कहा पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2, बोले सही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला भी करना पड़ा, यानी इसके दो मॉलिक्यूल्स चाहिए, दो आयंस चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा देखो बैलेंस रिएक्शन भी कुछ सेंस बना रही है, 2 moles इसके लिए, 2 moles कार्बन डाइऑक्साइड के निकले और 1 mole इथेन का, तो ये चीज क्लियर हो गई हमको, ये चीज क्लियर हो गई हमको, ये चीज क्लियर हो गई भैया। अभी कुछ चीजें बची हुई हैं, अब चलते हैं कहां, अब चलते हैं कैथोड पर, एनोड की कहानी खत्म, अब कैथोड पर। कैथोड पे बच्चों होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन कौन, Na+ और H+ पाप मिटाने आएंगे डिस्चार्ज होने, तो H+ की पाप मिटाने की टेंडेंसी Na+ से ज्यादा है, तो H+ को मौका मिला H+। अब देखो H+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना लिया H। आराम से सुनना, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होने चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया 2 2 2, बोलो सही है, यहां दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे तो यहां दो इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। देखो तो ये पूरा एक अपना रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एनोड पे प्यारे बच्चों होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, और कैथोड पे प्यारे बच्चों होता है रिडक्शन, नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब पढ़ना है डिटेल में एकदम, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने यहां पे लॉस होंगे उतने यहां पर गेन। खैर एनीवेज, तो 2H+ ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2H बनाए, यार ये 2H दिखने में कुछ मतलब मजा नहीं आया, तो इस 2H को मैं तुरंत कन्वर्ट करके H2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, 2H से H2, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, लिखना हो लिख लो, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस में नेक्स्ट डिटेल में पढ़ना है, ये बोलते हैं प्राइमरी चेंज, ये बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। अब 2H+ चाहिए तो भैया यहां 2 चाहिए तो यहां भी 2 लगा दिया, 2 2, अब ये भी जस्टिफाई हो गया H2, तो भाई साहब कैथोड पे निकल रही है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे लग रही है इथेन गैस, यही रिएक्शन है, हो गया खत्म, कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्लियर है। 2 moles of CH3COO Na लिया, 2 moles of H2O लिया, 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 1 mole of इथेन निकला, 1 mole of हाइड्रोजन निकला, अब ये बचा। अब देखो 2 moles of Na का किसी ने यूज नहीं किया, 2 moles of OH- माइनस का किसी ने यूज नहीं किया, तो ये भाई साहब आपस में कंबाइन करके क्या बन गए, 2 moles of NaOH, ठीक है, ऐसे कंबाइन करेंगे नहीं, वो सोल्यूशन में इनके आयन पड़ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो ना तो सोल्यूशन के अंदर आयन, भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये NaOH के फॉर्म में लिख दिया, असल में सोल्यूशन में अभी OH के आयंस पड़े हुए हैं, जो अपना सोल्यूशन बचेगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो अपना रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा प्यारे बच्चों वो बेसिक होगा, ठीक है, उसका pH बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्यूशन का pH बढ़ता जाएगा, pH बढ़ रहा है मतलब सोल्यूशन बेसिक होता जा रहा है, pH 7 से ऊपर होता जाए, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि OH- आयन निकलते जाएंगे, NaOH कहने को उधर लिख दिया, ऐसे वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तुरंत वो फिर आयंस में टूट जाएगा, तो सोल्यूशन है ना ऐसे, मतलब समझ लो एक टैंक है उसके अंदर कहानी चली, तो टैंक के अंदर Na के आयंस भी, OH के भी, वो लिखने को बैलेंस रिएक्शन दोनों को लास्ट में मिला के लिख दिया, असल में तो आयंस पड़े हुए हैं। क्लियर हो गई कहानी, पूरी कहानी समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आई, हमने लिखा 2 moles इसके लिए, 2 moles इसके लिए, इसके लिए, एक बार नोट कर लो, फिर एक और प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। अरे कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हो हो हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन के हिलते हैं, हो हो, अभी एक और एग्जांपल करेंगे तो बड़ा क्लियर होगा, नोट कर लिया, याद रखना इसका इंटरमीडिएट कौन है, फ्री रेडिकल, ठीक है, आगे डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होगा फ्री रेडिकल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें और चीजें एक्सप्लेन करते हैं, यहां तक नोट कर लिया, सोडियम एसीटेट की कहानी समझ में आ गई, अच्छा, मिटा दे, कुछ बचा है इसमें बताने को, डिंग, कुछ नहीं, अच्छा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा मेरा, बेसिक, और बेसिक जो कैरेक्टर है सोल्यूशन का बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा OH माइनस आयन बढ़ते जाएंगे। अच्छा चलो एक और एग्जांपल डिटेल में करते हैं तो थोड़ा मतलब और फील मिलेगा। फील ठीक है, अपने को मांगता क्या, अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री से फील मांगता है। जैसे मान लो अगला एग्जांपल ले लिए हम सोडियम प्रोपेनोएट या पोटेशियम प्रोपेनोएट, जो लेना चाहो पोटेशियम ले, सोडियम ले लेते हैं, पोटेशियम का भी फील एकदम सेम होगा, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, अब प्रोपेनोएट क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड तीन कार्बन वाला, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसका सोडियम सॉल्ट उठा लो तो COONA, ये हो गया प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। अब सोडियम प्रोपेनोएट की सेम कहानी, तो इसको मैं CH3CH2 को ऐसे लिख लूं क्या, C2H कहाँ लिखा जाए, सोडियम प्रोपेनोएट इसको मैं लिख दूं C2H5COONA, ठीक है लिख सकते हैं। अच्छा साथ में ले लेंगे H2O, एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा इसका कितने मोल्स लोगे, दो, इसके कितने, दो, CO2CO2 टू मोल्स ऑफ CO2। भाई भूलना मत रिएक्शन क्या है, ये डी कार्बोक्सिलेशन, तो CO2 का रिमूवल होना चाहिए, CO2CO2 दो Na, यहां से दो OH, टू मोल्स ऑफ NaOH, OH निकल गया, HH बना H2, OH निकल गया, HH बचा H2, C2H5 एक, C2H5 दो, C2H5 एक, C2H5 दो, ब्यूटेन बना, है कि नहीं, एक C2H5 दो C2H5, फ्री रेडिकल बनेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे C2H5, यानी C4H10, C4H10 ब्यूटेन इसका रिजल्टिंग होगा। एक बार इसकी मैकेनिज्म लिख लें तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दिमाग में। लिखा जाए इसकी बैलेंस रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी अब तक, नहीं आई सर, आओ तो फिर मैकेनिज्म कर लेते, नहीं आए तो मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, प्यारे बच्चों, हाँ सर मिटा दो सर, मैं तो वैसे भी नोट्स नहीं बनाता, मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेके काम चलाता है, बर्बाद हो जाओगे तुम बर्बाद, अगर तुमको लगता है तुम्हें सब याद रहता है। C2H5COONA प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, हम इतनी बार क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि सर आपके पास जगह बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सिखाना चाहते हैं यहाँ पे टू मोल्स, यहाँ पे टू मोल्स CO2 CO2 दो बार, टू मोल्स ऑफ CO2 OH OH NA NA टू मोल्स ऑफ NaOH C2H5 मिलके बन गया C4H10 और भाई साहब OH निकल गया, HH बचा, निकला हाइड्रोजन, एक लाइन में हटा दिया, क्या बात है। तो ये है मेन रिएक्शन और अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। और ये तो कट गया सर, इसको थोड़ा सा सही से दिखाओ, अई हई कैमरे को सर अपने हाथ से दिख रहा है अब, 2 moles of C2H5COONA sodium propanoate, 2 moles of H2O electrolysis, 2 moles of carbon dioxide, 2 moles of NaOH butane और hydrogen दिखाई पड़ रहा है। अच्छा कोई शिकायत नहीं, कोई कंजूसी नहीं की मैंने जगह की। अच्छा अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ, मैकेनिज्म को मचाते हैं। तो एक तो C2H5COONA ठीक है डिसोसिएट किया टू गिव C2H5COO- और Na+, और एक अपना पानी, पानी रे पानी तेरा कैसा रंग, उसने बोला H+ और OH- हमारा कोई रंग नहीं। अच्छा भाई अब हम गए एनोड के ऊपर, एनोड ब्रो व्हाट इज योर चार्ज, इसने बोला आई एम पॉजिटिव, सो एनोड को क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव में कौन ज़्यादा पाप मिटाना चाहता है, C2H5COO-, ये आ गए, एक इलेक्ट्रॉन खुद का है एक चुरा के लाए हैं, जो चोरी का माल है वो वापस देना पड़ेगा, बचा क्या C2H5COO-, अब C2H5COO- क्या करेंगे ये कहेंगे एक डॉट हमें दे दो, तो यहाँ से होमोलिटिक फिजन यानी बराबर से इलेक्ट्रॉन बटकर बॉन्ड टूट जाएगा, फिजन हो जाएगा, तो बचेगा C2H5- प्लस, यहां से डॉट इधर गया, डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना लिया, C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपको पता है C2H5- को अकेले कोई खुशी नहीं मिल रही जिंदगी में, अपने जैसा एक साथी और ढूंढेगा C2H5-, जैसे आप क्लास में बदमाशी करते हो तो अपने जैसा एक और ढूंढ लेते हो,
फिर दोनों मिलके पिटाई होती है दोनों की टीचर से, तो C2H5 डॉट मिलके बन गया C4H10। दूसरा C2H5 डॉट कहाँ से आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2, कितना मजा आया। अच्छा दूसरा चलते हैं कैथोड के ऊपर, समझ में तो आ रहा है कैथोड में कैसा चार्ज है, कैथोड ब्रो पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड ब्रो किसको लेंगे, कैटायन को लेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो H प्लस और Na पाप मिटाने की टेंडेंसी H प्लस की ज़्यादा, H प्लस को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा H, ऐसे खुशी नहीं मिली, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2H स्टेबल नहीं दिखता, तो इसने बना लिया H2 प्राइमरी चेंज फिर सेकेंडरी चेंज। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखे सर आपने, क्योंकि यहाँ दो निकल रहे थे तो यहाँ दो गेन किए, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, मतलब यार ये पूरा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक चैप्टर है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे होता है रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया खत्म, एक्सप्लेन हो गया पूरी, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 एक्सप्लेन हो गया, 2 मोल्स ऑफ C2H5CONa, 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है राइट साइड में आया 2 मोल्स ऑफ CO2, ये रहा 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2Na, 2OH मिलके 2 मोल्स ऑफ NaOH, वो भी लिखने का तरीका है C2H5 डॉट C2H5 C4H10, और यहाँ से बना H। नोट करें, हो गया समझ में आ गया, क्लियर हो गया रिएक्शन, छाप लें टीप लें, टीपू सुल्तान की तरह टीप लिया, टेप दिया सर पूरा का पूरा रिएक्शन है टेप दिया, मिटा ले इसकी चिट्ठी बना लोगे एग्जाम के लिए, चिट्ठी बनाते हो, चिट्ठी मिटा दें, ओके हमारे यहाँ कॉलेज में एक बच्चा हाथ पे फर्स्ट ईयर में थे हम लोग, नए गए थे, फर्स्ट ईयर में इंसान चूजे जैसा होता है, छोटा सा मतलब डर लगता है, पर पता नहीं हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से महारथी आते थे, अच्छे कॉलेज में पता नहीं कहाँ कहाँ से महारथी आते, तो उस महारथी ने अपने यहाँ पे पूरा आंसर लिख लिया था, चिट्ठी नहीं बनाया, यहाँ पे पूरा आंसर लिख लिया, और बैठ गया भाई एग्जाम में, यहाँ से यहाँ पूरा ऐसे करके बैठा हुआ था, ठीक है, तो प्रोफेसर को बेवकूफ़ समझते थे, ऐसा तो होता नहीं, प्रोफेसर 40 ईयर्स 50 ईयर्स की सब चीज़ें किए होते, तो प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा कि ये बच्चा ऐसे हाथ क्यों दबाया, पूरे राउंड लेते हैं पूरे हर जगह का, पूरा मतलब रूम का, वो बच्चा ऐसे दबाया हुआ था, उत्तराखंड का था वो बच्चा, आइडेंटिटी की मिल नहीं करूँगा, ऐसे दबाया हुआ था हाथ, तो प्रोफेसर ने उसका हाथ उठाया गया, फिर पता है इसके ऊपर लगता है अनफेयर मीन्स, है ना, अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं, और अनफेयर मीन्स में चाहिए होता है सबूत, ये चिट्ठी तुम्हारे पास से निकली तो सबूत है, वो चिट्ठी पकड़ लेंगे, है ना, मान लो तुमने कोई किताब रखी है पेपर फाड़ के रखा है तो वो सबूत बन जाएगा, अब यहाँ सबूत क्या बने, तो कॉलेज में फोटोकॉपी मशीन पे उसका हाथ रखा गया और हाथ की फोटोकॉपी हुई, स्कैनिंग हुई और वो बना अनफेयर मीन्स का सबूत, ठीक है, तो इससे हमें ये सबक मिलता है सर कि हाथ में नहीं पैंट के अंदर लिख के जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताऊं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, जिस जो अभी हम पढ़ रहे थे, भूलो टॉपिक से मत भटको, C2H5 सर आप ही भटका रहे हो, C2H5CONa सोडियम प्रोपेनोएट और प्लस H2O लिया और इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो भाई साहब हुआ क्या कि एक बार जल्दी सुन लो, एक इंपॉर्टेंट कहानी है, अब जल्दी समझो, अब हम बार बार डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां से Na प्लस निकलेगा, यहां से CO2 निकलेगा, C2H5 डॉट C2H5 डॉट, अब देखो मैकेनिज्म समझ में आ गया, अब C2H5 डॉट C2H5 डॉट, 2 मोल्स ऑफ CO2, 2Na, 2OH और H2, अभी मजा आएगा अंदर, अभी कहानी में बात करेंगे, अच्छा यहां तक हो गया, अब सुनो जो ये C2H5 डॉट बना और ये दूसरा C2H5 डॉट बना, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है डिसप्रोपोर्शियोनेशन। ये क्या होता है सर, देखो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो डिसप्रोपोर्शियोनेशन दिखाना चाहते हैं, डिसप्रोपोर्शियोनेशन का मतलब कि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन, यानी यहां से इसने इसको एक एच दे दिया, जो एच लूज करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, जो एच गेन करेगा उसका होगा रिडक्शन, पर मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, एक ही मॉलिक्यूल तो है, मतलब सिमिलर है ना, तो इसने एच लूज किया तो ये बना C2H4, इसने एच गेन किया ये बना C2H6,
तो दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वहां पे हमको दिखाई नहीं पड़ रहे पर बनते हैं, यानी मान लो ये रिएक्शन बना के दे दिया और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये भी प्रोडक्ट है माइनर है, चार ऑप्शन दे देगा। तो एक तो अपना ब्यूटेन है, एक अपना इथेन भी इसका प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है बहुत कम बनेगा, एक अपना इथीन भी इसका प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है बहुत कम। डिस्प्रोपोर्शनेशन इतना ज्यादा नहीं होता 1 डिग्री के फ्री रेडिकल में, ये 1 डिग्री है। अगर यही 3 डिग्री का फ्री रेडिकल होता तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाते। 3 डिग्री में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेशन, 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में और कम। अभी मान लो यहां पे 3 डिग्री का आपको फ्री रेडिकल दिखता, तब मेजर प्रोडक्ट वो नहीं होता, तब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर यहां पे 3 डिग्री का आपको अल्काइल ग्रुप दिख गया 3 डिग्री का, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। इसने एक एच लूज किया, इसने गिन किया C2H6 C2H4, C2H4 बोले तो इथीन, C2H6 बोले तो इथेन। क्लियर है? इथीन C2H4 समझ रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑल्सो अकर्स इन 1 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल, बहुत कम होता है, ठीक है। चले क्लियर है? अब CH3 वाले में नहीं होगा, पहले वाले में ना, वहां किसको दे बेचारा, वो ये दे देगा, क्या बनेगा CH2 कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, बॉन्ड ही नहीं बना सकता। यहाँ ये डबल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, कहानी बच सकती है। समझ गए छोटी सी बात? अच्छा, अब इस रिएक्शन की खास बातें समझो। खास बात, एक तो तुमने ये पढ़ लिया सोडियम प्रोपेनोइट, एक सोडियम एसिटेट वाला पढ़ा था, जल्दी से बताओ। CH3COONA, इसके 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स ऑफ H2O लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो यहाँ से CH3CH3 मिलकर CH3CH3 मिलकर इथेन बन गया, 2 मोल्स ऑफ CO2 निकला, 2 मोल्स ऑफ NaOH निकला और H2। अब आगे मैं इतने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसकी बात करूंगा अब आगे से एल्केन की, ठीक है यहाँ से। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, कि जरा इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, जो इस तरफ एल्केन बन रहा है उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, हमेशा हमेशा। सो अपना कोल्स मेथड ऑलवेज गिव्स एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन। देखो यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, अरे यार यहां जो भी ग्रुप लोगे वो डबल हो जा रहा है उधर जाके, तो अपने आप इवन हो जाएगा। यहां मान लो इस जगह पे तुम्हारे पास 3 कार्बन है, मान लो सोडियम ब्यूटेनोइक होता है, यहाँ पे 4 कार्बन, तो उधर जाके 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 कार्बन, उधर जाके 10 हो जाएंगे, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन। यानी ये हमेशा यूज होगा सिमेट्रिकल एल्केन बनाने को, क्या बनाने को, सिमेट्रिकल एल्केन। देखो ये सिमेट्री, ये सिमेट्री, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो हमेशा यूज होगा सिमेट्रिकल एल्केन बनाने को, जैसे वुड्स रिएक्शन पढ़ा आपने। दूसरी चीज, इस सोल्यूशन का पीएच बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्लियर है? तीसरी बात, मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कैसे बनाओगे मिथेन? मिथेन के लिए भैया यहां पे मिथेन के लिए यहां 1 ही कार्बन चाहिए, और यहां कम से कम 2 तो आएंगे ही, डॉट डॉट जुड़ना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मिथेन में क्या जुड़े किससे? सो मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, इधर आप देख रहे हो डॉट डॉट जुड़ना है, इसमें कोई कहानी नहीं। तो ये बातें थी, अब चलें इसकी अच्छी अच्छी बातें करें, कुछ बढ़िया बढ़िया रिएक्शन करें, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करें, मिटा दें बैलेंस रिएक्शन वगैरह, समझ में आ गया। अब मैं बैलेंस लिखना बंद कर दूंगा, मिटा रहे हैं 1 2 3 4। ओके, अब हम सीधा आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो आप मुझको बताना कि वुड्स रिएक्शन करने पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या बनेगा। जैसे मान लो किसी बंदे ने गलती से ऐसा करने की कोशिश की, CH3COONA C2H5COONA, है ना, और बोला चलो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, एक्वस मीडियम है, पानी भी है, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, समझो आराम से। Na+ निकल जाएगा, Na+ निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, एक डॉट इसके ऊपर आएगा, एक डॉट इसके ऊपर, बोलो सही कह रहे हैं। पहले बनेगा CH3CO-, फिर वो इलेक्ट्रॉन करेगा, इस पर डॉट आएगा, फिर यहाँ से CO2 निकल जाएगा, डॉट इस पर आएगा, जैसे यहाँ पे CH2H5CO- बनेगा, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, डॉट आएगा, फिर CO2 निकल जाएगा, डॉट यहाँ आएगा। अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, एल्केन वाला प्रोडक्ट देखना है। एक तो CH3.C2H5. से जुड़ेगा, यानी CH3 और C2H5, इसको हम CH2CH3 लिख सकते हैं C2H5 को, यानी क्या बन गया, प्रोपेन। तो सर आप तो कह रहे थे कि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनते हैं, ये तो ऑड नंबर बन गया, है
है ना, मिक्स्ड सॉल्ट्स का आपने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी समझो इंपॉर्टेंट है, मिक्स सॉल्ट का आपने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यहां तक समझ में आया, Na+ निकला, Na+ निकला, इस पे माइनस आया, डॉट लगा, डॉट यहां गया, यहां एक दोनों कंबाइन करके ये बना लिया CH3 CH2 CH3। पर सुनो, क्या इसका एक ही मॉलिक्यूल होगा? क्या तुम ऐसे एकदम पिन से उठा के एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे? नहीं, बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हो सकता हो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कर ले, यानी CH3 खुद ही से जुड़ जाए, तो एक ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, इथेन। और इसके भी कई मॉलिक्यूल्स होंगे ना जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होता है, यानी ये हो सकता है खुद ही से जुड़ जाए C2H5 और C2H5 यानी ब्यूटेन। तो यहां पे कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाने की कोशिश यहां पर ना करें, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाने की कोशिश आप कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक में ना करें, ठीक है। अब इवन नंबर में चल जाएगा, इवन नंबर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन देते हैं आपको, अच्छा देते हैं एक ठो, मान लो हमको पूछता है वो यहाँ एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एल्कीन के लिए भी यूज होता है, साइक्लिक एल्कीन। अच्छा पहले चलो चाहिए कर लो, चलो एल्केन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, सही बता रहे हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस अब एल्कीन एल्केन एल्काइन साइक्लिक एल्केन साइक्लिक एल्काइन साइक्लिक एल्कीन सब में यूज होता है। चलो इसको बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ध्यान से H2O भी होगा, ठीक है। अब इसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो होंगे, एक ही दिया है तो दो मॉलिक्यूल्स ले लेना अपने आप, ठीक है, दिमाग लगा लेना, H2O के दो मॉलिक्यूल, बैलेंस रिएक्शन नहीं, अभी काम Na+ निकला, CO पे माइनस आया, माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बताओ जल्दी, इस पे डॉट आएगा, फिर डॉट यहां से CO2 निकल गया, डॉट यहां आ गया, तो ओवरऑल कहानी क्या, ये सब तो निकल जाएगा, Na निकला, Na+ CO माइनस, फिर डॉट, फिर वो भी निकला, फिर डॉट, यहाँ ओवरऑल इसके दो डॉट मॉलिक्यूल्स यानी दो फ्री रेडिकल, तो यहाँ डॉट लगा था, ये बनेगा बिस साइक्लोहेक्सेन, बिस मतलब दो, साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। जैसे मान लो ये देते अपने को, अब देखना एल्कीन बना के दिखाते हैं कैसे एल्कीन बनेगा, मैकेनिज्म पकड़ लो, जरूरी नहीं कि एल्केन बने, एल्कीन भी बन सकता है, अभी एल्कीन की प्रिपरेशन में बात भी करनी है। मान लो ये दे दिया आपने को, H2O लेके ना, लेके कोते समझ जाना कि एक्वस मीडियम की बात होगी, तो देखो होगा क्या, यहाँ से Na+ इस पे माइनस, इस पे डॉट, इस पे माइनस, इस पे डॉट, फिर ये निकल जाएगा CO2 डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, फाइनली यही तो होगी कहानी। तो फाइनली बनेगा क्या, यहाँ डॉट 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 मिलके बॉन्ड बना लिए, ये बन गया, क्या बन गया इस बार, एल्कीन बन गया, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो एल्कीन भी बना सकते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एल्केन एल्कीन एल्काइन साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन सब बनाते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अब देखते जाओ, जैसे मान लो ए और बढ़िया एक दिखाते हैं, मान लो ये आपको दे दिया CH2 CO2 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 Na इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, बताओ क्या बनेगा, चलो सोच के बताओ भाई क्या बनेगा, यहां से Na+ CO- डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा लास्ट में, CO- पे डॉट आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, डॉट आएगा, फिर CO2 निकलेगा, डॉट यहां आ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, CH2 CH2 डॉट, इन दोनों पे डॉट है, जुड़ जाएंगे CH2 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 और ये डॉट डॉट से जुड़ गए, क्या बना ये साइक्लोप्रोपेन बन गया, है ना, क्या बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लिक एल्केन भी बन सकता है, क्लियर है, साइक्लिक एल्केन भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक पॉसिबिलिटी और है, वो भी समझो, मान लो इसके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हुए तो एक ये भी प्रोडक्ट बनेगा, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये ये समझ में आ रहा है,
यहाँ डॉट ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आया आपस में जुड़ गए, एक ये भी बन सकता है अपना बाईसाइक्लो कंपाउंड। नाम क्या हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो एक दो तीन चार फोर डॉट, इधर से भी एक दो तीन चार फोर डॉट, इधर कितने जीरो ऐसे लिखते हैं ना, इधर चार कार्बन, इधर चार कार्बन, बीच में जीरो, बाईसाइक्लो फोर डॉट जीरो। टोटल कार्बन बताओ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो डिकेन। एक ये भी इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो हमारा इग्नोर हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट और बन सकता है CH2, 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 और ऐसा एक और मॉलिक्यूल इधर से आ जाए CH2, 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 ठीक है, इस पे डॉट जुड़ गया, इस पे डॉट जुड़ गया, क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, इस पे डॉट है बगल से सेम मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल्स मान लो सेम मॉलिक्यूल्स आ जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पूछोगे सर ज्यादा कौन सा बनेगा, जैसे इस वाले केस में तो ये मेजर होगा, ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल क्लोज क्लोज है जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला मेजर होगा, ठीक है, वो भी बनेगा बट माइनर है ना, फ्री रेडिकल क्लोज क्लोज है तो यहाँ पे इंट्रा होने के चांस ज्यादा है तो इंट्रा हो गया। जैसे ये इस वाले को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कोल्ब कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं। जैसे ये वाला, इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कोल्ब कह सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर खुद ही हो जाना, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होना। साथ में अगर दूसरा मॉलिक्यूल होगा ये भी बनेगा बट ये दिस विल बी माइनर, बुलाना पड़ेगा एक और मॉलिक्यूल को, कहना पड़ेगा हमसे रिएक्ट करो, अपने आपस में ही रिएक्ट कर सकते हैं तो अपने ही रिएक्ट कर लिए, ठीक है, आ गया समझ में, मिटा दें। एक बढ़िया सवाल है एक और इसका कराते हैं, मिटा दें तो एल्कीन भी बन सकता है, साइक्लो एल्केन भी बन सकता है ना। एक और बढ़िया सवाल देखो इसका, जैसे मान लो, ध्यान से बढ़िया सवाल है, यहां पे भी देखो इंट्रा के चांसेस दिख गए होंगे आपको, है ना, सेम मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप लगाए तो इंट्रा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा बताओ क्या बनेगा, सोच के बताना, सोच के बताना, सोच लिया, पॉज करके सोच लो, मैं बताऊं क्या बनेगा, सो आई टेल यू, बेंजीन बनेगा, बेंजीन ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, बेंजीन। कैसे बना बेंजीन, यहां से एन ए प्लस, यहां से सीओ माइनस निकला, यहां से एन ए प्लस सीओ माइनस वगैरह वगैरह सब कहानी हुई, सब कहानी हुई, डॉट यहां। अब समझो, पहले तो ये समझो इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा, अपने अंदर ही रिएक्शन करने की कोशिश कर लेगा या दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी समझो ये अपने अंदर रिएक्शन क्यों करेगा, यहाँ पे ये बहुत मेजर बनेगा, यहाँ दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, यहाँ पे 100% यही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझो कैसे कैसे कैसे, आराम से यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे इंट्रा ही होगा सिर्फ, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखो क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल, सॉरी ये वाला बॉन्ड आप होमोलिटिक फिजन कर दो फ्री रेडिकल के तरीके से, क्या बना, ध्यान से एक डॉट यहां या एक डॉट यहां, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया होमोलिटिक, एक डॉट यहां एक डॉट यहां, ये डॉट मिल गया, ये डॉट मिल गया, ये भैया एरोमेटिक बन गया, वेरी वेरी स्टेबल। तो यहां पे इंटर मॉलिक्यूलर करने की जरूरत ही नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल को लाने की जरूरत ही नहीं, सब अपने आप में खुद ही कोल्ब्स कर लेंगे, एंड फाइनल आंसर विल बी बेंजीन। ये क्या है अपना नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बेंजीन, क्लियर है, समझ में आया। इसमें इंटर मॉलिक्यूलर नहीं होगा क्योंकि दिस इज वेरी वेरी स्टेबल। कैसे बना, यहां से निकला डॉट डॉट, फिर मैंने कहा इसको क्लियर मिटा दे, इसको समझ में आ गया है। अच्छा अब देखो ये जो कोल्स मेथड है ये हम एल्कीन की प्रिपरेशन और एल्काइन की प्रिपरेशन में भी यूज करेंगे। जैसे मान लो एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे होगी कोल्ब से, हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे CH2COONA
CH2COONA, है ना? ध्यान से देखो तो ये यहां से आया होगा CH2COH, CH2COH. This is succinic acid. Succinic acid. इसका डाई सोडियम या डाई पोटेशियम सॉल्ट ले लो. इसको हम बोलेंगे डाई सोडियम सक्सीनेट. डाई सोडियम सक्सीनेट. इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो एक्वस मीडियम में. खेल खत्म हो जाएगा. यहां से Na प्लस CO माइनस, फिर डॉट, फिर CO2, CO2 रिमूवल, डॉट डॉट. फाइनल आंसर बोलो CH2, CH2. एक बॉन्ड पहले से बना था, डॉट डॉट की वजह से दूसरा बॉन्ड बन गया इथीन. तो एल्कीन की प्रिपरेशन भी हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हैं. कैसे क्लियर? पूरा क्लियर हुआ? बस ये याद रखना कि यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देना पड़ेगा. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? कहाँ से लिया हमने? सक्सिनिक एसिड से. सी एच टू सी ओ ओ एच, सी एच टू सी ओ ओ एच. अब यहाँ लगा लिया एन ए, यहाँ लगा लिया एन ए. डाई सोडियम सक्सिनेट. यहाँ से ये पूरा निकलेगा, यहाँ से ये, इस पे डॉट बॉन्ड बन गया. क्लियर है? डाई सोडियम सक्सिनेट यहाँ लिख लेते हैं. डाई सोडियम सक्सिनेट. इसको कई लोग सोडियम सक्सिनेट भी बोलते हैं. डाई क्योंकि दोनों पे लगा है. अच्छा, एल्काइन भी बना सकते हैं. एल्काइन भी बना सकते हैं. एल्काइन कैसे बनेगा? ध्यान से. सी एच टू सी ओ ओ एच, सी एच टू सी ओ ओ एच. ये था अपने पास सक्सिनिक एसिड. यहां से एक एच, एक एच हटा के यहां डबल बॉन्ड पहले से लगा लो ऐसे. ठीक है, आईयूपीएसी नेम देखोगे तो 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूट टू इन. एक दो तीन चार, ब्यूट टू इन, चार कार्बन है. ब्यूट टू इन 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर याद हो तो आइसोमेरिज्म के अंदर ये कंपाउंड हमने पढ़ा था. जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे सिस ट्रांस, तो हमने इसका नाम बताया था. एक दो तीन चार, ब्यूट टू इन 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नाम हमने बताया था मैलिक एसिड या मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड. मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक. मैलिक बनता था इसका सिस फॉर्म और फ्यूमेरिक बनता था ट्रांस फॉर्म. तो इसको कुछ भी बोल सकते हो आप. मैंने क्या किया, यहाँ से एच हटाया, यहाँ से एच हटाया, यहाँ से एन ए लगाया, एन ए लगाया. पता नहीं ये सिस है कि ट्रांस है. एनीवेज, तो मैंने बोल दिया इसको, ये है हमारा डाइसोडियम मैलिएट, या चाहो तो बोल सकते हो डाइसोडियम फ्यूमरेट. दोनों लिखा हो सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना. फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड आर सेम थिंग. दोनों सेम. फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड आर सेम थिंग. दोनों क्या है? ब्यूट टू इन 1.4 डायोइक एसिड. डिफरेंस क्या है? ये होता है ट्रांसफॉर्म, ये होता है सिस फॉर्म. दोनों ही ये रिएक्शन देंगे. एनीवेज, वापस आते हैं टॉपिक पे, इलेक्ट्रोलाइसिस. अब नाम लिखा होता है किताब में तो समझा रहे थे H2. कुछ होगा नहीं यार, यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा Na प्लस पे माइनस डॉट, फिर चला गया CO2 डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ खेल खत्म. CH CH ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना था, डॉट की वजह से ट्रिपल बॉन्ड बन गया. ये बन गया इथाइन. तो एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से. सो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में इतना ही. अब अगले हम एक लेक्चर में कर लेते हैं अपना सोडा लाइम मेथड. लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है. सोडा लाइम मेथड से एक और डी कार्बोक्सिलेशन का वे देखते हैं. सो दिस वॉज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन बना सकते थे. मैकेनिज्म याद रखिएगा, फ्री रेडिकल है. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.